हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आज मैं न्यू टेक का वीडियो लेके आज का टेक का टॉपिक होने वाला है पावर बैंक। दोस्तों, मैंने 150 रुपये का जो पावर बैंक मंगाया था, जैसे कि आपको मैंने अपने नॉइस के अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बताया था कि मैं रियलमी का पावर बैंक मंगाया है जो कि 150 रुपये का पूरा है। तो दोस्तों, यही वो पावर बैंक है जो मेरे को 150 रुपये का पड़ा है, 10,000 mAh का है। और 150 रुपये का कैसे पड़ा मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा, जिससे कि आप भी इसको परचेज कर सकें। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या 150 रुपये में रियलमी ने हम लोग का पावर बैंक दिया भी है या नहीं दिया है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं पावर बैंक कैसा है। मैं आपके सामने पूरा खोल रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि आप बाद में कह ना सको कि इसके अंदर ये है वो है। मैं इसका बिल और स्क्रीनशॉट दोनों में आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये 150 रुपये का ही है। मैंने 150 रुपये ज़्यादा 1 रुपये पे नहीं किए हैं। ये रहा इसका बिल, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। 150 रुपये इसे देख सकते हैं, ये रहा इसका बिल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियलमी का 10,000 mAh का पावर बैंक है, येलो कलर का। ब्लैक कलर में अवेलेबल नहीं था, मुझको ब्लैक कलर में चाहिए था पर नहीं था, तो मेरे को येलो कलर में करना पड़ा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो ग्रैंड टोटल है 148 रुपीज़ है। तो मैंने आपसे मजाक नहीं किया था, ये 150 रुपये का ही पावर बैंक है। अब चलिए देखते हैं अंदर और क्या मिलता है। ये पावर बैंक है, काफ़ी वेटेड है, और ये बॉक्स इसको साइड में रखते हैं। तो कुछ पीछे हाईलाइट फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आप इससे 12 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। ड्यूल टाइप ए ड्यूल पोर्ट है, मींस यूएसबी टाइप ए के 2 पोर्ट हैं और टाइप सी का 1 पोर्ट है। 14 लेयर्स का सर्किट प्रोटेक्शन है, मींस आप रात में लगा के भूल जाते हैं निकालना कि मैंने पावर बैंक निकाला कि नहीं निकाला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पावर बैंक की बैटरी को कोई भी तरीके हार्म नहीं पहुँचेगा। अच्छी बैटरी लिखा है इसमें, और इसमें आप ड्यूल इनपुट टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हैं और माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हैं पावर बैंक को। और इसमें आप जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, जैसे कि मेरे नॉइस की वॉच है वो भी चार्जिंग पे लगी हुई है, तो उस टाइप की वॉचेस को भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। उस वॉच को इसी में चार्ज करूँगा, मुझको बहुत मुश्किल में उसका अडैप्टर मिला था 5 वॉट का। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर का, इसकी जो MRP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी MRP पूरे 1500 रुपये है और मेरे को 150 रुपये का मिला। आप भी दोस्तों खरीद सकते हैं 150 रुपये का पावर बैंक। तो उसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो चलिए इसकी सील क्रैक करते हैं और देखते हैं अंदर का। ये काफ़ी अच्छी बात है कि पावर बैंक उठाने के लिए यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का स्ट्रैप लगा हुआ है। पावर बैंक काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं पतला है, और 10,000 mAh के हिसाब से इसका वेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। और पतला पावर बैंक होने के लिए मैं इसको आराम से पॉकेट में रख लूँगा, कॉलेज भी ले जा सकूँगा और जहाँ जाऊँगा वहाँ ले जाऊँगा, इसीलिए मैंने 10,000 mAh का ऑर्डर किया, 20 का नहीं। इसके अंदर डाटा केबल तो निकली नहीं किसी भी तरीके की। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर ये निकला जिसमें पावर बैंक रखा था, ये बॉक्स है, ये पावर बैंक है, और ये कुछ रियलमी की तरफ से प्रेम पत्र हैं जो कि किसी काम के नहीं, कोई नहीं पड़ता है। वैसे वारंटी कार्ड भी यही लग रहा है, पता नहीं क्या है। 2i है रियलमी पावर बैंक, 2i है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं पावर बैंक का मॉडल है। पर इसके अंदर कोई भी डाटा केबल यूँ नहीं निकली, मींस इसके अंदर कोई भी डाटा केबल नहीं निकली, आपको अपनी डाटा केबल यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पावर बैंक के अंदर। ये नॉर्मल वाला, ये भी नॉर्मल वाला टाइप है, ये टाइप सी पोर्ट और एंड माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो चलो देखते हैं इसके अंदर कुछ पावर आवर है भी कि नहीं। हाँ, 50% चार्ज करके दिया रियलमी में। चलिए इससे मैं अपना फ़ोन चार्ज करता हूँ। दोस्तों, एक अपडेट था, ये मैं बीच में शूट कर रहा हूँ। मैंने अपनी टाइप सी टू टाइप सी वाली डाटा केबल इसमें लगा के जब अपने फ़ोन ने प्लग इन किया तो ये चार्ज नहीं कर रहा था। तो मैंने देखा क्यों नहीं चार्ज कर रहा है, तो मैंने थोड़ी बार देखा इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, आउट मीन्स ये पावर देगा। आप देख सकते हैं कि टाइप सी वाला है, इसमें इन लिखा हुआ है, जो माइक्रो यूएसबी है इसमें भी इन लिखा हुआ है, और ये फिर से यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। तो मीन्स आप टाइप सी वाले से चार्ज नहीं कर सकते हैं, आप टाइप सी वाले से सिर्फ पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी वाला आउटपुट नहीं देता, सिर्फ टाइप सी वाला इनपुट लेता है, और ये दो आउटपुट देने के लिए बने हैं। तो ये भी ठीक है, पर मुझे लगा कि जो उसका जो टाइप सी पोर्ट है वो चार्ज ही करने के लिए बना होगा, पर चार्ज करने के लिए नहीं बना है, उससे सिवा आप पावर बैंक को ही चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पावर बैंक को अच्छे से चेक करूंगा और मैं इसे अपना फ़ोन चार्ज करूंगा जिसकी बैटरी 4500 mAh की है। तो देखूंगा मैं ये उसको कितनी बार चार्ज कर पाता है, क्या 2 बार चार्ज कर पाता है या फिर
डेढ़ बार चार्ज कर पाता है। जितना भी चार्ज करेगा मैं आपको अपडेट में दे दूंगा, और कितना टाइम लेता है चार्ज करने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसकी जो मैक्स कैपेसिटी है फास्ट चार्जिंग की वो 12 वॉट की है। तो देखने की ये बात है कि इसको कितनी देर लगती मेरे फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए। जो मेरा फ़ोन है वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी तो सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है, पर इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर बना हुआ है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर बना हुआ है, ये दिख रहा है। तो ये टेक्सचर इसको होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि आपके हैंड में ग्रिप बनाता है। जैसे कि आप हैंड में कहीं पकड़ेंगे तो उसकी अच्छी खासी ग्रिप बनती है इस टेक्सचर के। अगर ये थोड़ा टेक्सचर ना होता तो ये स्लिपरी होता और आपके हाथ से गिरने के चांसेस थी। और ये पावर बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक का है तो टूट सकता था। तो चलिए मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बहुत ही मेरे चैनल पे नॉइस का भी आने वाला है रिव्यू, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 150 रुपये का कैसे लिया है। तो दोस्तों रियलमी ने अपने रियलमी स्टोर ऐप पे कुछ टाइम पहले मीन्स अक्टूबर में रियलमी पॉइंट्स नाम से स्टार्टिंग की थी, जो कि अगर आपने रियलमी ऐप ओपन किया होगा उसमें साइड में देखने को मिलता होगा। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वो नए होम पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर वो कहता है शेयर इट, शेयर करिए किसी के साथ रियलमी ऐप को। जब आप शेयर करेंगे तो आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे, और वो कहता है कि थोड़ा स्लाइड करेंगे तो नीचे चेकिंग का ऑप्शन होता है, आप चेकिंग करेंगे तो आपको फिर से पॉइंट्स मिलेंगे। तो वही मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए थे पूरे, जो कि मैंने इसको परचेज करते समय रिडीम कर लिया, तो उसी से मेरे को इसमें डिस्काउंट मिल गया 600 रुपीज़ का, और मेरे को 150 रुपये का मिला। तो अब तो फरवरी में ख़त्म होने वाले हैं रियलमी पॉइंट्स, अगर आप कलेक्ट भी करेंगे तो किसी काम के नहीं, वो फरवरी के बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। अब आप नेक्स्ट टाइम से उसको अक्टूबर में फिर से कलेक्ट करना स्टार्ट करिएगा, और फरवरी में रिडीम कर लीजिएगा मेरे तरीके से, और कोई भी एक एसेसरी रियलमी की परचेज कर लीजिएगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाए या जो आपको चाहिए हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये पावर बैंक 150 रुपये का ख़रीदा, मैंने आपको बता दिया, आप भी खरीद सकते हैं अगली बार, इस बार नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पावर बैंक कैसा लगा, 150 रुपये में आपको कैसा लगा, आप ये डील आपको 150 में मिले तो आपको कैसे लगेगी ये डील। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।